तू दुनिया ही देनी तेनू तोहफे विच इस वक्त मैं आया हूँ पिकार्डली 34 सेक्टर पिकार्डली स्क्वायर में, और यहाँ पे एक मूवी की स्क्रीनिंग होने वाली है जिसका नाम है रजा। तो रजा चंडीगढ़ की एक बहुत जाने माने थिएटर आर्ट्स है, सात्विक आर्ट्स करके उन्होंने और पंजाब के एक बहुत बड़े मॉडल और एक्टर हैं हर परफार्मर करके, एक टाइम पे इनका ज़माना चला था, दौर चला था इनका, और इतनी ज़्यादा हिट मूवीज़, इतनी ज़्यादा हिट सॉन्ग्स दिए थे इन्होंने, और इनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है। तो सात्विक आर्ट्स प्लस हार्प फार्मर ने मिलके ये मूवी को प्रोड्यूस किया है, और स्पेशल स्क्रीनिंग रखी हुई है इसकी, और जो कि बिल्कुल फ्री है, तो इसका फ़ायदा हम पूरा पूरा उठाने वाले हैं। मैं आ चुका हूँ, ऑडी नंबर 2 में हम एंटर करेंगे। क्राउड आप देख सकते हैं, हमें काफ़ी अच्छा क्राउड आया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ हर्प फार्मर, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट इन इंडस्ट्री। मैं सोच रहा था यार ऊपर वाली सीटों पर बैठूँ, लेकिन ऊपर वाली सीटें सारी की सारी बुक हो चुकी हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे नीचे ही बैठना पड़ेगा। तो जहाँ जगह मिलती है बस बैठ जाते हैं, इससे पहले वो भी ना मिले। आपको शक्ल तो क्लियर दिख नहीं रही होगी, वैसे आप देख सकते हो मेरे को ये जे रो मिली है, तो मैं यहाँ पे मौका देख के बैठ गया हूँ, और यहाँ से स्क्रीन भी मतलब ठीक है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं देखना पड़ेगा, ज़्यादा नीचे भी नहीं देखना पड़ेगा, बिल्कुल सामने है और मज़ा आया। हर फार्मर, और एक और चीज़ बताता हूँ, जो हर फार्मर थे वो भी यहीं पे घूम रहे थे, और इतना डाउन टू अर्थ बंदा है वो कि यहाँ पे वो एज अ स्टार नहीं घूम रहा, जबकि वो इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे वो घूम रहा है एज अ ऑडियंस कि अपनी मूवी के लिए आया, स्क्रीनिंग के लिए आया है, और कोई उसमें ईगो वगैरह कुछ नहीं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे आया, ऊपर वाली सीट पर बैठने गया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक सर बैठे हुए हैं जो कि मेरे सर हैं, जिन्होंने मुझे थिएटर सिखाया था, और काफ़ी मज़ा आया। मैं आपको दिखाता हूँ कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जूम नहीं हो रहा है, उनको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो इसलिए सब फोन पगड़ी में वो बैठे हुए हैं, बलकार सर। अरे यार, बलकार सर बैठे हुए हैं और उनके साथ बैठे हुए हैं बहुत ही, ये सात्विक आर्ट्स की जो प्रोड्यूसर है ना, वो बैठे हुए हैं सात्विक आर्ट्स वाले। वैसे तो मैं मिला उनसे, लेकिन जब स्क्रीनिंग ख़त्म हो जाएगी तब मैं उनके पास जाऊंगा और मिलूंगा अच्छे से। तो अभी मिलता हूँ आपको जब मूवी स्टार्ट होगी, और लास्ट में इसका रिव्यू भी दूंगा कि कैसी है कैसी नहीं। आई थिंक एंड आई एम श्योर अच्छी ही होगी। तो ठीक है, मिलता हूँ आपको बीच में, इम्पोर्टेंट सीन कोई आएगा या फिर कुछ ऐसी, ठीक है, बाय। सात्विक आर्ट्स इंट्रो वीडियो इज फैब मैन, इंट्रो वीडियो इज फैब, व्हाट एनिमेशन, वाओ वाओ मैन। हाँ जी, हाँ जी, बैठो। तो भैया मूवी हो चुकी है, मैं देखता हूँ इसको, और हो सके तो बीच में मिलूंगा या नहीं तो सबसे लास्ट में मिलूंगा। Even songs are very good, very good. Tere hath vich meri takdeer lukhi si, teri bada ehsaan hai, ishq e dara tenu raas aaya jindadiye, raas aaya jindadiye, khaba di zameen vicho ugiyan haki जमीन बिचों। इसकी आंखें ना बहुत ज्यादा इंटेंसिव है, जैसे अजय देवगन की ना वैसे। ये है ना, एंड हिज फीचर्स आर वेरी गुड।
रब ने बस लीका खिचिया ने मेरे हथी रब ने लीका खिचिया ने तेरे हथ बिच मेरी तकदीर लकोई सी तेरे हथ बिच मेरी तकदीर लकोई सी दुनिया ने दिता मैनू तोहफे बिच तू दुनिया ही देनी तेनू तोहफे बिच हुण तक रिहा सी हनेरे बिच मैं तेरे नाल आहां सवेरे बिच मैं गाइस सॉन्ग बताना कैसा है बहुत तगड़ा सॉन्ग है यार ये तो भाई मूवी मैं देख के आ चुका हूँ अभी अच्छी मूवी थी शॉर्ट क्रिस्प एंड स्वीट सिंपल लव स्टोरी लास्ट में दर्द थोड़ा ज्यादा था मतलब अच्छी थी मूवी लगभग लगभग 1.5 घंटे की मूवी थी इसके अंदर कोई भी इंटरवल नहीं था पर मूवी अच्छी थी और एक्टिंग वाज हर परफॉर्मर सर से मिला मैं काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में और मुझे काफ़ी अच्छा लगा मतलब ज़्यादा देर बात नहीं हुई थोड़ी सी देर बात हुई फिर उसके बाद मैं बलकार सर से मिला और मतलब बलकार सर से बात करने का ना मतलब एक अलग ही सुख है मज़ा आता मुझे और मेरे सामने मतलब जो ये सात्विक आर्ट्स वाले हैं मैं इनसे पहले भी मिल चुका था और लाइक मैं पहले जो है इनका सात्विक आर्ट्स वालों का ग्रुप ज्वाइन करने वाला था लेकिन ड्यू टू सम रीजंस आई कुड नॉट ज्वाइन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा जिनको जिनको मैं जानता था उन सबको बड़ी स्क्रीन पे देख के और होपफुली नहीं आई विल मेक श्योर ऑफ इट कि मैं भी जल्दी बड़ी स्क्रीन पे आऊँगा आई नो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू और काफ़ी लंबा रास्ता है तय करना पड़ेगा बट नहीं करेंगे ज़रूर करेंगे उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े ठीक है तो आज का ही व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं कोई ठोक ना जाए मुझे आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में या फिर एक नए व्लॉग में तब तक के लिए बाय फैमिली का ध्यान रखो अपना ध्यान रखो और जितने भी 40-50 लोग जितने भी मेरी वीडियो देखते हो उन सबको आई लव यू बाय